दोस्तों केएल राहुल की एशिया कप से पहले जिम्बाब्वे सीरीज में वापसी हो चुकी है। अब केएल राहुल जिम्बाब्वे से ओडीआई मैच खेलते हुए दिखेंगे। कल रात अचानक बीसीसीआई का नोटिफिकेशन आया जिसमें केएल राहुल का पूरे अच्छे तरीके से जिक्र किया गया है। दोस्तों अगर आप भी इस खबर को पूरे विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए विस्तार से बात कर लेते हैं। दोस्तों जहां बीसीसीआई ने जिम्बाब्वे दौरे के लिए खिलाड़ियों का चयन कर लिया था, अब उसमें बीसीसीआई चेंजेस कर रही है। उसमें से कई खिलाड़ियों को बाहर किया और कई खिलाड़ियों को एंटर किया। दोस्तों जिम्बाब्वे टीम के चयन के बाद बीसीसीआई ने एशिया कप के लिए भी टीम का अनाउंसमेंट किया था, जिसमें केएल राहुल और कई नई खिलाड़ी शामिल हैं। दोस्तों केएल राहुल कई दिनों से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले हैं और उनका सीधा एशिया कप में सिलेक्शन हुआ था और केएल राहुल सबसे पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ ही खेलने वाले थे, लेकिन इसके बारे में फिर बीसीसीआई ने गणना किया और केएल राहुल को जिम्बाब्वे सीरीज में एंटर किया। बीसीसीआई रेडी हो चुकी है केएल राहुल को जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच खेला। बीसीसीआई ने यह कहा कि अगर केएल राहुल जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचेस खेल लेते हैं तो उनके लिए एशिया कप खेलना काफी आसान हो जाएगा। और बीसीसीआई ने यह भी कहा कि अगर वो जिम्बाब्वे के खिलाफ खेल लेते हैं तो उनके बैटिंग का प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगा और वो खुद को एशिया कप के लिए रेडी भी कर लेंगे, ताकि वो डायरेक्ट आकर पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा मैच खेल सके और केएल राहुल टीम इंडिया को अच्छी जीत दिला सके।